सिस्टम, न्यू चैप्टर। ऑलरेडी यू नो कोऑर्डिनेट सिस्टम, पता है आपको यस सिलेक्शन सर, यस सर। क्या होता है। हम इसमें डिस्कस जो करेंगे, 2D डिस्कस करेंगे, टू डायमेंशन ज्योमेट्री। दैट ऑलरेडी यू नो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इफ यू कंसीडर एनीवेयर वन पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज द एक्स कमा वाई, इसका मतलब क्या होता है? इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस तो उसका लेंथ कितना होता है? वाई एंड सर किधर से सर ओरिजिन से वाई फिर नहीं, इट कुड, ये यहां से आप एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वाई सर वाई वाई ओका। यस यस हाँ सर। अच्छा तो मैं इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसका पॉइंट ले रहा हूँ सर टू मॉड कमा वाई माइनस फोर, सर मॉड 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 वाई तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? मॉड वाई ये डिस्टेंस होता है मॉड वाई। आप डोंट कंसीडर योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, कंसीडर करोगे तो वाई। ओके फॉर दिस केस यू विल गेट वाई। ओके एक्चुअल डिस्टेंस इज द मॉड वाई। और ये डिस्टेंस कितना होगा? वो डिस्टेंस मॉड एक्स मॉड एक्स ओके फॉर दिस केस। एंड ओपी डिस्टेंस एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हां सर राइट, ओपी डिस्टेंस। तो दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट में हम x एंड y फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज द x, x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। x इज कॉल्ड एब्सिसा, y इज द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हां सर ठीक है। वन मोर फॉर्मेट इज द पोलर फॉर्म, अनदर फॉर्मेट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। व्हाट इज पोलर फॉर्म? सेम एक्स एंड वाई को अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिख सकते हैं। थीटा एंड आर फॉर्म, थीटा के आर के फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर कमा थीटा। व्हाट इज योर आर? Polar form radius mod distance from origin, distance from mod mod distance from yeah. origin r is x square root over x square plus y square r comma theta where r is the root of x square plus y square under root x square plus y square is op distance, that is r. What is the theta? Acha to oa distance kitna ho jayega? उसी हिसाब से आर एंड थीटा में ओए डिस्टेंस कितना होगा? यूजिंग आर एंड थीटा, आपका आर एंड थीटा दिया गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। पीए डिस्टेंस क्या होगा? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? इफ यू राइट वाई बाई एक्स यू विल गेट टेन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा सर? आर टेन थीटा आएगा, टैन इनवर्स वाई बाय नो आर आर कैंसिल होगा। हां सॉरी सॉरी, तो आर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, थीटा इज द टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है आप वो इनवर्स मत यूज कीजिए,
आप यूज कीजिए tan थीटा इनटू y बाय x ओके बट थीटा आपको पूछा जाएगा तो यू कैन राइट इट इज tan इनवर्स y बाय x ठीक है तो एवरी x यू कैन राइट r cos थीटा एंड y यू कैन राइट r sin थीटा दिस इज कार्टेशियन टू पोलर ठीक है where r is the under root x square plus y square and theta is the tan inverse y by x आपको याद होगा मैंने ट्रिगो में एक क्वेश्चन था कि x square plus y square equal to r square yes sir हम उधर क्या लिए थे मैंने बताया था यूज x equal to r cos theta and y is equal to r sin theta यही उसका लॉजिक yes sir ठीक है आप भी इधर आप x के जगह क्या रख सकते हो r sin theta रखोगे तो ट्रिगो तो सेटिस्फाई कर जाएगा बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका जो बेस होता है x के ऊपर डिपेंड करता है आपका हाइट y के ऊपर डिपेंड करता है एंड बेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर cos cos के ऊपर बेस रहता है इसलिए x को हम r cos theta रखते हैं y को is equal to r sin theta ठीक है yes. so, in coordinate system, आप yes. दो फॉर्मेट यूज कर सकते हो one is the cartesian format another is the polar format cartesian form is the x comma y format is called cartesian form r comma theta called polar form ye aapka conversion isme aapko in general question nahi aata hai polar format mein kabhi aayega to you can use like this cartesian to polar convert kar sakte ho polar se cartesian bhi convert kar sakte ho samjha yes ओके okay. कुछ नोट करना है करो क्या नोट करना है करो अच्छा यस सर अभी याद आया नहीं लिखना शुरू कर दिया आप क्या बोले वो समझ नहीं आया हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट वो कॉम्प्लेक्स में यूज होता है दैट इज आर इनटू ई रेस टू आई थीटा कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ से पता चला सर स्कूल में बारा पोलर फॉर ये वापस समझा सकते हो स्कूल में क्या रहेगा ना उसमें पोलर फॉर वही कट एक्स एंड वाई यहाँ पे ये ट्रायंगल में आपको कार्टेशियन में एक्स एंड वाई दिया जाता है सो दैट आपको बेस पता चल जाता है और आपका परपेंडिकुलर लेंथ पता चलता है पोलर में आपको आर एंड थीटा दिया जाता है व्हाट इज थीटा ओरिजिन टू पॉइंट को जॉइन कर दो जितना एंगल कटता है दैट इज थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओके व्हाट इज द थीटा थीटा आर इज द डिस्टेंस सर एक सेकंड ऊपर करो ना सर एक सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट थीटा क्या होता है एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग origin to given point with respect to positive x axis ठीक है suppose आपका point इधर second quadrant में रहा this is the point
तो ओरिजिन 2.4 जॉइन कर दो, ठीक है ना? यस सर। तो ये होगा आपका आर, ओपी डिस्टेंस आपका आर होगा, थीटा क्या होगा? ये आपका थीटा होगा, ये नहीं होगा सर वो, हाँ थीटा 180 माइनस थीटा होगा। आप इसको थीटा रखोगे तो आपका हर पॉइंट पॉजिटिव में आएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव का भी पॉइंट नहीं आएगा। हाँ सर, क्योंकि आप एक्यूट एंगल ले रहे हो ना, इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा तो आपका एक्यूट एंगल होगा, आर तो कभी नेगेटिव नहीं होता है बिकॉज ऑफ आर डिस्टेंस। यस ठीक है ना, तो आर कॉस थीटा कमा आर साइन थीटा आपको हमेशा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पॉइंट दिखेगा, कभी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आएगा। तो आपका जो थीटा रहता है ना, दैट ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल जब मिलता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर आर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, तो एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। वाई होता है आर साइन थीटा, पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो ये आपको ग्रेटर देन 0 देगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट, एवरी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सॉरी पॉइंट, एक्स वैल्यू नेगेटिव देता है, वाई वैल्यू पॉजिटिव देता है ना। यस सर, कोई भी पॉइंट रखोगे इसका एक्स आपसी सा क्या होगा, लेस, तो ये जो थीटा होता है ये एंगल नहीं होता है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके साथ एंगल, समझाइए? यस सर। हां सर, ओके। Suppose this is the line segment PQ, whose x coordinate is, P coordinate is the x1 comma y1, Q coordinate is the x2 comma y2. So distance formula kya hoga? Root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. बिटवीन पॉइंट्स, बिटवीन द joining points P point मैंने x1 comma y1 रखा and Q x2 comma y2 is क्या हुआ x1 minus x2 whole square, square plus y2 minus plus y1 minus y2 whole square, whole square, whole square इसका under, ठीक है? हाँ सर। आप यहाँ से perpendicular draw करो, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर से परपेंडिकुलर, ठीक है? ये आर, व्हाट इज योर पीआर डिस्टेंस, पीआर डिस्टेंस कितना होगा? जीरो माइनस एक्स वन, पॉइंट एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि आपका ओबी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स टू, एक्स टू डिस्टेंस होगा एक्स वन, तो पी आर डिस्टेंस होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, क्यू आर डिस्टेंस क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन। नाउ पी आर क्यू, पी आर क्यू जो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट आर, तो पी क्यू द हाइपोटेन्यूस, तो पी क्यू डिस्टेंस कितना आ जाएगा,
हाँ तो x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो आप x2 minus x1 रखो कि x1 minus x2 रखो, square कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो this is x2, अगर x2 minus x1 है तो y2 minus y1 होना चाहिए. x2 minus x1 और y1 minus y2 ऐसा नहीं हो सकता. हो सकता है, हो सकता है, कोई 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 दिक्कत नहीं. फेल हो रहा है ना, फर्क क्या पड़ता है. ठीक है, तो उसका ये रहेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. डन. इनको सर लिखने देना सर. हाँ सर, हो गया. एक मिनट सर. सर लिखने दो. हेलो. Done? No, sir. Yes, sir. Sir, एक मिनट सर. हाँ सर, हो गया मेरा. क्या हुआ मानव, क्या हुआ? मानव कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या हुआ, बात क्यों करते? ओके नेक्स्ट. डिवीजन रूल. व्हाट इज डिवीजन रूल? सेक्शन फॉर्मूला. हाँ ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला. चार वो क्या होता है? M x two plus n x one whole by m plus. The point divides the line in plus two n. Equal to x is equal to m and n. Then the distance. सर वो कितने part में divide करता है line को? उस हिसाब से सर m plus n. हाँ भाई, हाँ. पढ़ा है तूने भी. Let this is the point P. This one Q. Whose P point is the x1 comma y1. Q is the x2 comma y2. R is a point on the line segment PQ whose coordinate is the x comma y. If R divides PQ in ratio m is to n internally, then R का कोऑर्डिनेट होता है, R क्या हो जाता है? mx2 plus nx1 whole by n plus n. हाँ. तो आपका x होगा mx2 कर्नर टू ये से रहेगा. mx2 plus nx1 plus nx1 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 upon by m plus n. पर y के लिए इट इज my2 my2 plus ny1 m plus n by m plus n. कोई प्रूफ कर पाएगा? जितने बोल रहे थे अभी प्रूफ करो. सर एक लाइन बना सकते हैं नीचे से,
उसका स्लोप निकाल के सर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं उसको. स्लोप स्लोप अभी तक मैंने बताया नहीं. सिमिलैरिटी सर ट्रायंगल. हां सर ट्रायंगल सिमिलैरिटी करो प्रूफ करो. लीला हाँ सर हाँ सर मिलेगा. सर अभी दो ट्रायंगल बन जाएंगे ज्वाइन करके. अरे ये नीचे नहीं हो रहा. Now P, M, R and R, N, Q. These two are similar triangle. P, M,
R triangle similar to R n Q triangle. Am I right? Yes. So PM upon R n is equal to R m upon Q n is equal to P R upon R Q. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. PM upon RN equal to RM upon QN is equal to PR upon RQ. What is your PR upon RQ? M is to N. M by N. तो व्हाट इज योर पीएम पीएम डिस्टेंस कितना होता है एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स आर एन डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स आर एम डिस्टेंस एक्स टू माइनस वाई माइनस वाई माइनस y2 minus y distance y2 minus y so use kar do that thing so pm x minus x1 upon x2 minus x is equal to y minus y1 upon y2 minus y equal to pr upon rq pr upon rq m is to n ratio divide kiya tha na तो m by n ठीक है आप ये दोनों को इक्वेट करोगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देन यू विल गेट nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx तो x टर्म को एक साथ रखो बाकी ये करो ये nx प्लस mx इफ यू टेक x कॉमन देन m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 that implies x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n similarly y is equal to my2 plus ny1 upon n understand isko aap definition rakhoge if point r If point R whose coordinate is the x comma y divides the line segment joining P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 in ratio m is to n internally then ये आपका formula होता है x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n and y is equal to my2 plus ny1 upon n
डन हाँ सर एक सेकंड सर एक सेकंड सर ये चैप्टर कितना बड़ा है सर थोड़ा बड़ा है मिड पॉइंट क्या होगा x1 plus x2 by 2 x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2 x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 upon 2 क्योंकि रेशियो आपका 1 is to 1 हो जाएगा तो m के जगह 1 n के जगह भी 1 डाल सकते हो वन मोर थिंग इंस्टेड ऑफ m is to n Also, you can write m by n is to 1. Okay? Yes, sir. So, ये भी एक constant देगा. तो आप use कर सकते हो k is to 1. आप m is to n ratio divide कर सकते हो, नहीं तो k is to 1 ratio में आप divide करके निकाल सकते हो. समझाइए? हाँ, sir. हाँ, sir. For an example. A point C divide the line segment joining 2 comma minus 5 and 7 comma 4 in ratio 3 to 4 internally then point points ठीक है हाँ सर फर्स्ट हो गया सर हो गया फर्स्ट हो गया सर मिनट क्या मिला
ओके सर मुझे एन कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा। हाँ सर आया आया। ये करो, ये सबको मिला? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर 5/2 आ गया सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है मिला? हाँ सर। सर 2 यस सर। सॉरी ये आर ये आपका 38/7 -1/7 देगा। ठीक है तो आप चाहो तो m is to n इधर रख सकते हो, नहीं तो ठीक है k is to 1 रेशियो इंटरनली तो आप लिख सकते हो k into 6 plus 1 into 4 upon k plus 1 is equal to 38/7 आप एक कोऑर्डिनेट में भी निकाल सकते हो। यस k वैल्यू तो 42k plus 28 equal to 38k प्लस 38 दैट इंप्लाइज 4k इक्वल टू 10 तो k इक्वल टू 5/2 तो आपका ये क्या रहा 5/2 इज टू 1 रेशियो दैट इज 5:2 ठीक है ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। हां सर समझा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन? वो क्या होता है? ये जो था इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा?
a point r x comma y divides the line segment joining PQ in ratio m is to n externally. ठीक है देन x क्या होता है सर एक्सटर्नली का क्या मतलब है यहाँ पे आउटसाइड करेगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन एंड y होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन यहाँ पे लाइन सेगमेंट मत रखो सिर्फ लाइन रखो सर आप ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर सके एक्सटर्नली का क्यों ये आपका नहीं हुआ था क्या नहीं सर ये नहीं हुआ सर हम लोग तो नाम ही पहले शर्मा में था हम लोग सर हम लोग को आईसीसी में इंटरनल और ये मिड पॉइंट फार्मूला और ये था जी सेंट्रोइड फार्मूला था हां सर यस सर उतना ही था एक्सटर्नल नहीं था सर सर ये एक्सटर्नल से हर फार्मूला के साइन रिवर्स होते हैं ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आप X1, Y1, ये X2, Y2, ये मैंने रखा X, Y, which R divides PQ externally, outside में कर रहा है, internally अंदर PQ सेगमेंट में करेगा ये PQ लाइन के बाहर करता है ठीक है ए साइड में करेगा नहीं तो ए साइड में करेगा तो इसका मतलब क्या होगा वही रहेगा PR अपॉन QR इन द M by N PR अपॉन QR हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस तो थे सर ऐसे थे सर हाँ ये तो थे ये होता है एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट डालेंगे सर हम बस रेशियो को ऐड करते थे आज सर ये नहीं पता था कि इसको इसको क्यूआर 2:3 है तो फिर वो 2:5 बन जाता था हां सर वही ऐसे ही करते थे हां सर ऐसे ही आते थे क्वेश्चंस हमने देखे ही नहीं सर अलग फार्मूला नहीं था नाम नहीं दिया कि ऐसे एक्सटर्नल बोलते हैं इसको ऐसे नाम नहीं पता था डेफिनेशन में स्कूल में डेफिनेशन में था इंटरनली लेकिन उसका मतलब वैसे बोला नहीं था कि इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे कुछ होता है बहुत फर्क पड़ता है देखो नहीं हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पीआर क्यू को इंटरनली क्यू पीआर को इंटरनली कहते हैं हां आप बोल सकते हो कि नाउ क्यू डिवाइड्स पीआर इन इंटरनली ठीक है बट आपको रेशियो आपका ये दिया जाता है आप उसी हिसाब से इसको क्यू रेशियो निकाल दोगे तो आ जाएगा सपोज आपका दिया गया ये 5:2 रेशियो इसी हिसाब से बट आप डायग्रामिकली उसको मतलब डायग्राम वाइज आपको ये करना पड़ेगा मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा तो ठीक है Yes. But आपको P given, Q given, how to find out? R. Right? Yes. So, यहाँ पे PR is to RQ equal to M is to N. ये given, how to find out this? आप यहाँ से सीधा perpendicular draw करो. जैसे उधर किया था ऐसे ही करेंगे ठीक है बट इधर क्या था आर पॉइंट बीच में था तो आर तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे इधर यहां तक करेंगे सेम मेथड
अब क्या होगा, ये m ले रहा हूँ, ये n ले रहा हूँ, अभी वही पी एम आर ट्रायंगल सिमिलर टू क्यू एन आर ट्रायंगल, पी एन पी एम आर ट्रायंगल सिमिलर टू क्यू एन आर ट्रायंगल, बराबर। व्हाट इज योर पी एम डिस्टेंस? x minus x1. ये डिस्टेंस x minus x2. ये डिस्टेंस p तो x2 है ना, px1 अच्छा x1 ठीक है, r इधर x कम हो गया, r इधर चेंज हो रहा है, p क्यूब फिक्स्ड, r चेंज हो रहा है। हां नहीं नहीं सर, क्वेश्चन गलत कॉपी, क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी किया था सर। अच्छा ठीक है, तो rm y minus y1 rn y minus y2 ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा x minus x1 upon x minus x2 is equal to y minus y1 upon y minus y2 equal to ये होगा ना वही pm upon qn is equal to rm upon rn equal to pr upon rq, बराबर। pr upon rq the m by n, अब ये दोनों को इक्वेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, nx minus nx1 equal to mx minus mx2, mx2. That implies ये इधर ले लो, ये nx minus x1 that implies m minus n into x is equal to mx2 minus nx1, तो x क्या होगा, mx2 minus nx1 upon m minus n, and y होता है m y2 minus n y1 upon m minus n, मिला। सेम फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, इंटरनली डिवाइड करता है तो ये अंदर का प्लस होता है, एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो ये माइनस होता है, दैट इज द डिफरेंस। डन, तो आप सिर्फ इतना ही नोट करो एक्सटर्नल डिवाइड। तो आपके स्कूल में हुआ होगा वो सब इंटरनल डिवीजन वाला ही दिया होगा, एक्सटर्नल नहीं दिया होगा सर, इंटरनल वाले ही किया सर। हाँ, एक्सटर्नल नहीं देते वो, नहीं आईसीएसई में तो इंटरनली करा है, लेकिन सॉल्व किया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। हाँ सर, वो क्वेश्चन थे बोलते नहीं थे कि एक्सटर्नल इसको बोलते हैं। हाँ सर, ऐसे नाम से नहीं बोलते थे, एक्सटर्नल है इंटरनल। यहाँ पे देखो, सपोज रहेगा सर, पर आईसीएसई में इंटरनली करा है। After simplification, suppose k value you got minus 5 by 2, इसका मतलब होता है आपका r divide the line PQ in ratio 5 is to 2 externally। सर ये समझा आपका? हाँ सर, हाँ सर, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था इन विच रेशियो, मैंने जरूर नहीं कि पॉइंट r को अंदर रखूंगा। हाँ सर, which ratio this point divides the line segment joining these two, ठीक है? आप simplify किए, let us take, आप वही format डालोगे, let us take k is to 1 ratio में divide कर रहा है, आपको question नहीं दिया गया कि internal divide कर रहा है कि external divide कर रहा है, ठीक है? आप internal लेके ही formula डालोगे, let r divides the line segment pq in ratio k is to 1, तो इसी हिसाब से डालोगे, ठीक है ना? हाँ सर, नीचे k minus 1, k का value 5 by 2 मिला। Suppose instead of 5 by 2, if it is minus 5 by 2, तो आपका आंसर क्या होगा? Externally. R divides. If minus 5 by 2, then आपका आंसर हो जाएगा point R. Divides it externally. Divides the line PQ. PQ. In ratio
एक्सटर्नली जो फर्स्ट ठीक है फाइव बाई टू एक्सटर्नली यहाँ पे फाइव बाई टू मिला तो आप लिखोगे इंटरनली डिवाइड कर रहा है माइनस फाइव बाई टू मिल गया तो आप बोलोगे इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और सर ऐसे एक्सटर्नल में भी होगा ना क्या एक्सटर्नल में नहीं होगा क्या अगर एक्सटर्नल में आप नहीं आपको पूछा गया कि आपको क्वेश्चन में दिया गया कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे इफ क्वेश्चन गिवन पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू और लाइंस जॉइनिंग दिस टू एक्सटर्नली तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे बट क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हिच रेशियो इट डिवाइड कर रहा है ठीक है तो आप इंटरनल डिविजन का फॉर्मूला डालोगे जैसे डाले थे ऐसे ही डालोगे के एस टू वन रखो एम एस टू एन रखो जो भी है आपका आउटकम्स ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो एक्चुअली वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इफ योर आउटकम्स लेस देन जीरो आपका आंसर लेस देन जीरो नेगेटिव में आ रहा है तो आप बोलोगे क्या वो जो पॉइंट दिया गया है दैट इज दैट डिवाइड द लाइन इन रेशियो एम एस टू एन जो भी रेशियो मिला वही रेशियो बट एक्सटर्नली नहीं सर अगर एक्सटर्नल डाला और नेगेटिव आया तो ऐसा पूछ रहा था एक्सटर्नल वाला नेगेटिव आएगा सर एक लाइन ऊपर करो नेगेटिव आ जाएगा तो इंटरनल हो जाएगा हां वही वही पूछ रहा था सर तो यू कैन नोट मेक इट नोट माइनस ए इज टू बी इंटरनली सर एम एन ही लिखो ना सर फॉर्मूला में वर्ड m is to n externally same as minus m is to n internally देखो ना m के जगह minus m use हो रहा है कि n के जगह minus n use हो रहा है हाँ सर if you ये formula दोनों को check करोगे एक formula mx to प्लस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन सॉरी एम प्लस एन दूसरा फॉर्मूला आपको मिला एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन आप ये दोनों को ये करोगे दोनों को चेक करोगे आपको क्या रिप्लेस क्या हो रहा है जस्ट एन के जगह माइनस एन आ रहा है तो यहाँ पे लिखोगे एम इज टू एन इंटरनली एक केस में आप लिख सकते हो एम इज टू माइनस एन इंटरनली अच्छा माइनस एन लिख के इंटरनल लिख ओके सर दैट इज एम इज टू एन एक्सटर्नली बराबर ना हाँ सर मैंने वही लिखा एम इज टू एन एक्सटर्नली सेम एज माइनस एम इज टू एन इंटरनली और आप लिख सकते हो एम इज टू माइनस एन इंटरनली अंडरस्टूड आपका कोई क्वेश्चन दिया गया कि इट इज डिवाइड्स 3:4 एक्सटर्नली तो आप क्या करोगे आपको इंटरनल का डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है तो लिख दो 3:-4 इंटरनली वो फॉर्मूला सेम आ जाएगा अगर -3:4 लिखेंगे तो भी सेम आएगा हाँ बिल्कुल इसमें क्या दिक्कत क्या है हाँ वही 3:4 रेशियो ना रेशियो में माइनस मल्टीप्लाई कर दो 3:-4 सेम आज -3:4 क्या प्रॉब्लम रेशियो है ना ये थोड़ी वैल्यू सेम हो जाता है 2:3 इसका मतलब नहीं कि ये वैल्यू 2 ये वैल्यू 3 सपोज ए ए इज टू बी इक्वल टू 2:3 इंप्लाइज व्हाट ए का वैल्यू कितना होता है 2 ए का वैल्यू 2 का कोई मल्टीप्लिकेशन होता है एक होता है 2 के बी हो जाता है 3 के तो इसमें माइनस ऑफ किस में तो 3:4 सेम एज -3:4 नथिंग डिफरेंस यस सॉरी 3:-4 यस 3:-4 सेम एज -3:4 ओके सर
समझाइए. यस सर. ओके, कुछ लिखना है सर? वो नोट दिखाइए ना. yes. हाँ सर, लिख लिया सब. सर 2 मिनट. सर ऊपर करिए ना. सर ऊपर ले सकते हैं. हाँ सर. अरे आप ट्राई करें. हाँ सर, हो गया. अरे आप ट्रायंगल क्या होता है? हाफ एक्स वन इनटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस वाई फोर मॉड आता है. हाँ तो मॉड आएगा. रोटेट नहीं होता है क्या सर? आपने क्या सर आपने क्या पूछा था? इसको रोटेट करना है थोड़ा, मतलब एंगुलर करना. ठीक है, मैं हाथ में कर देता. सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? कुछ नहीं पूछा. ये स्ट्रेट लाइन से वर्टिकल वाला नहीं हो रहा है. लेट दिस कोऑर्डिनेट इज द x1 comma y1. ये आपका x2 comma y2. ये x3 comma y3. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कोऑर्डिनेट वाला या नॉर्मल? विद वर्टिसेस कोऑर्डिनेट वाला. mod 1 by 2 into x1 y1. रुको, x2 y2 x3 y3 edge. बताओ. 1 by 2 into x1 multiplied by y2 minus y3 plus x2
multiplied by y3 minus y1 plus x3 multiplied by y1 minus y2 bracket mod or आप इसको y फॉर्मेट में भी लिख सकते हो y1 into x2 minus x3 सर हां ये डिटरमिनेंट मेथड से डिराइव हुआ क्या हां होगा x3 minus x1 plus y3 into x1 minus x2 come on okay. और half determinant of x1 y1 1 x2 y2 matrix one, x3 y3 determinant kitne ko pata hai nahi sir sir sabko pata rehna वेक्टर्स में क्या तो मालूम है सर वेक्टर्स में हां सर सो में बटा चार है सर वेक्टर्स ने एक्सप्लेन किया था ना बताया ना हां सर क्रॉस प्रोडक्ट करने के टाइम पे एक्सप्लेन किया था सर तो आपको पता है a b c d का डिटरमिनेंट हां सर a into d minus b into c d minus b ऐसे होता है ना इसका ऐसे डिटरमिनेंट होता है आप यू कैन फाइंड आउट योर डिटरमिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज ओके ऐसा नहीं कि आप जो बताए होंगे वो सिर्फ फर्स्ट रो के हिसाब से बताए होंगे एनी रो वाइज और एनी कॉलम वाइज बट यू हैव टू फॉलो वन थिंग दैट इज कोई एक कॉलम में जाना पड़ता है वन थिंग यू हैव टू फॉलो साइन ये अल्टरनेटिव साइन ये प्लस माइनस प्लस नहीं आप इसके हिसाब से करोगे ये होगा माइनस प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये साइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा मतलब ये डिटरमिनेंट कितना होगा एक्स वन को क्रॉस करोगे ठीक है एक्स वन को क्रॉस कर दिए बाकी जो चार एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट ओके यस सर क्या मिला एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई टू माइनस देन सेकंड को क्रॉस करोगे बट ये माइनस में जाएगा माइनस वाई वन ठीक है माइनस वाई वन इनटू एक्स टू माइनस एक्स थ्री एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस वन इनटू एक्स टू माइनस वाई टू वाई थ्री मतलब वन को क्रॉस कर दोगे ऐसे क्रॉस करोगे ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री y2 ठीक है आप चेक करो खुद चेक कर सकते हो x1 into y2 minus y3 मैं थोड़ा a फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं हाफ ऑलरेडी देयर है हां सर और ये हो गया आपका माइनस y1 x2 minus x3 y1 नो प्लस और ये हो गया आपका x2 y3 minus x3 y2 बराबर which is half x1 y2 minus y3 फिर x2 कॉमन रखो ये x2 तो if you take x2 कॉमन then y3 minus y1 ये दोनों से x3 कॉमन रख सकते हो then y1 minus y3 मिला हां सर सबका हां सर ठीक है सर y1 - y2 होगा ना सर y2 और इसका फाइनली मॉडुलस रखना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है बट कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं होगा दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप मॉडुलस फाइनली यस सर ओके इसका मॉडुलस बराबर आप देखो ये कॉलम वाइज आप सपोज ये कॉलम वाइज आपको एक्सपेंड करना है चेक करो कैसे आ रहे हैं सर वो सेम ही आएगा सर x1 x1 के रेशियो में आ जाएगा ना x1 into x y2 minus y3 हां सर y2 minus y3
माइनस एक्स टू इंटू एक्स टू को मैंने क्रॉस वाई वन माइनस वाई थ्री प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू ये तो आज इट इज रहा आज इट इज रहा इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये y3 माइनस y1 आ जाएगा हाँ सर वही बोल रहा था ठीक है तो आप कोई भी रो एनी रो और एनी कॉलम वाइज यू कैन एक्सपांड योर डिटरमिनेंट बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पहले ये डिटरमिनेंट लिख लो काम आएगा इसके बाद ये फॉर्मूला ठीक है कोई एक्सपांड कर पाएगा हु कैन एक्सप्लेन व्हाई डिटरमिनेंट सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस वन ऐसे क्यों आ रहा है कोई बता पाएगा जैसे हमने पहले लाइन बनाकर किया था वो करना और फिर ट्रेपेजियम बनाना जो बस इतना ही आ गया फिर ट्रेपेजियम का एरिया और फिर उसको ऐड ऐसे मैंने तीन परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ओके तो कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इधर बी पी क्यू ए क्या होता है ये कौन सा फिगर दे रहा है Trapezium B P Q A plus A Q R C Trapezium A Q R C R C minus B P R C R C am I right? Sir, minus क्यों क्या सर मुझे area चाहिए ना हाँ ट्रायंगल का चाहिए ना तो नीचे का ट्रायंगल एरिया चाहिए तो फर्स्ट ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम वन ये ट्रेपेजियम टू ये आपका ट्रेपेजियम थ्री ठीक है यस सर तो फर्स्ट ट्रेपेजियम प्लस सेकंड ट्रेपेजियम माइनस थर्ड ट्रेपेजियम बराबर Equal to required ABC triangle area. A area plus second trapezium area minus third trapezium area. तो ABC बचेगा ना? Yes sir. हाँ sir. Yes sir. अच्छा trapezium area कितना होता है? Half into sum of triangle sides into height. Half sum of sides. अच्छा. लेंथ कितना होगा लेंथ ऑफ बीपी
y1 minus y2 BP का लेंथ B तो पॉइंट पॉइंट से ड्रॉ करो ना y2 होगा ना y2 AQ का लेंथ y1 ठीक है एंड ये आपका y3 PQ लेंथ x1 minus x2 QR length x3 minus x1 फिर पूरे का लेंथ ऐड कर दो PQ PR length x3 minus x2 right yes sir तो आप sum of parallel sides मतलब y2 प्लस y1 इनटू x1 माइनस x2 बराबर ये दिया प्लस सेकंड ट्रेपेजियम में दिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y3 इनटू हाइट हाइट इज द दिस वन x3 माइनस x1 माइनस हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 प्लस y3 इनटू x3 माइनस x2 बराबर पास जस्ट इसको सिंपलीफाई कीजिए उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं था ना तो मैंने क्या रखा हाफ y2 हाफ सब में कॉमन जाएगा हाफ y2 प्लस y1 इनटू x1 माइनस x2 प्लस y1 y3 y1 प्लस y3 इनटू x3 माइनस x1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2 है ना ये एरिया तो हाफ आप मल्टीप्लाई करो x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 ये हो गया अच्छा ये माइनस में था ये हो जाएगा x3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 देन प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 प्लस x2 y3 बराबर तो आपका जैसे वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 को कैंसिल हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और एक x2 y2 x3 y3 x3 y3 दिस टू कैन दिस सिक्स टर्म्स कैंसिल हो गया बचा हाफ इनटू x1 कॉमन रखो तो x1 इनटू y2 माइनस y3 देन x2 टेक कॉमन प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन y1 माइनस ओके तो ये वैल्यू नेगेटिव आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है तो फाइनली यू हैव टू टेक मॉडुलस ऑफ दिस टू गेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल अंडरस्टूड
मिला? हाँ सर। नोट कर लिए? सर एक बार ऊपर से दिखा सकते हो सर? हाँ सर। डन सर। दो लाइन लिख दो सर। ऊपर 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 हाँ सर नीचे कर सकते हैं। सर थोड़ा ऊपर थोड़ा। हाँ सर बस सर। या सर हम लोग जो भी फॉर्मूला डिराइव किया सर उसमें तो हम लोग ने सर मॉड यूज नहीं किया था। नहीं मॉड
इसका वैल्यू नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है. नेगेटिव आ जाएगा तो पर एक लाइन ऊपर कीजिए ना, तो क्या होता है कि जो तीन पॉइंट दिया जाता है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपरली घुमाओगे, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, कोऑर्डिनेट के ऊपर, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर पॉइंट रख के एक्चुअल आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव देता है. आप वही उसको आप क्लॉकवाइज घुमा दोगे, नेगेटिव वैल्यू देगा. तो फिर एरिया को क्या बोलोगे बताता हूँ अभी. हम यहाँ पे मॉडुलस क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि आपका जो x1 माइनस x2 हम इसके हिसाब से मुझे लगा कि x1 माइनस x2, बट यहाँ पे मॉडुलस यूज होना चाहिए था ना डिस्टेंस के वजह से. हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, हम यहाँ इसको x1 माने तो मुझे दिखाई दिया कि x1 माइनस x2 बड़ा हो रहा है. सपोज उल्टा हो जाएगा, ये पॉइंट x2 माइनस x1 रखोगे, इसको x1 माइनस x2 रखोगे, आपका तो नहीं होगा ना. PQ डिस्टेंस मैंने रखा x1 माइनस x2. सपोज यहाँ पे x2y2 होता, A पॉइंट x2y2 होता, B पॉइंट x1y1 होता, तो आपको तो लिखना पड़ता है ना x1 माइनस x2. x1 माइनस x2 रखोगे तो गलत आएगा ना. तो ये हम ग्राफिकली ले चुके हैं, इसलिए मॉडुलस जरूरत नहीं है. बट हम जब आर्बिट्रली तीन पॉइंट दिया जाएगा, आपको तो ट्रायंगल दिखेगा, मतलब ट्रायंगल जॉइन करोगे तो ट्रायंगल तो बनेगा, तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली वेदर इट इज x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, वो पता नहीं चलता. ठीक है, फिर भी उसके ऊपर कर देता हूँ. सर थोड़ा ऊपर लो ना सर, एक लाइन लिख. अरे कितने टाइम लिख रहे हो सर, एक ही लाइन है. अभी क्या अभी याद कर रहे हैं सर, पांच बार लिख के. सर मॉड्यूल 2 में ये चैप्टर है? मॉड्यूल 2 में तो ये चैप्टर नहीं है ना. मॉड्यूल 2 में होगा ना, है ना, मॉड्यूल 2 में है. होगा होगा, वो स्ट्रेट लाइन जो दिया गया ना उसमें रहेगा, जो स्ट्रेट लाइन में सर दिया. हाँ, ये मैंने उसका मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट करा. अच्छा, ओके सर. इट्स अ स्ट्रेट लाइन. आप तीन पॉइंट दीजिए, कोई भी तीन पॉइंट दीजिए. 5.2 5.2 5.2 3.7 15.10. अरे वाह, सेम टू सेम बोले. ठीक है, मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 ले रहा हूँ, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3. कोई बोलेगा नहीं मैं इसको x1 y1 रख रहा हूँ, इसको x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 रखेंगे, कुछ गलत होगा क्या? नहीं सर. तो कोई भी तीन पॉइंट आ जाता है ना, तीनों पॉइंट में तो ट्रायंगल बनेगा. तो ये 1 2 3 कोई रखेगा, 1 इसको 2 इसको 3. हाँ सर. ठीक है, आप इसी हिसाब से आंसर निकालिए कितना आएगा. 5 2 कितना, 1 3 7 1 15 10 बराबर. फर्स्ट के हिसाब से रखा, 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से निकाल रहा हूं, ये कलम के हिसाब से, तो इसका पोजीशन प्लस माइनस प्लस, ताकि 1 1 1 रहेगा ना, मुझे मल्टीप्लिकेशन करने का कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे ही आ जाता है. कितना होगा, 35 माइनस, सॉरी फर्स्ट वन होगा 30 माइनस
105 कितना बराबर कि आपके हिसाब से करोगे? ठीक है चलो आपके हिसाब से क्यों ठीक है तो आपके हिसाब से इसके हिसाब से करता हूँ ठीक है तो कितना होगा 5 × 7 − 10 − 3 बराबर −2 × 3 − 15 − 12 राइट देन +1 × 30 − 105 कितना −75 ऑलराइट कितना मिला यस सर आप ये आपका हुआ −15 + 24 − 75 तो 90 90 24 कितना हुआ 90 − 24 66/2 −33 दे रहा है बट एरिया −33 होगा क्या नहीं सर आपको मॉडुलस डालना पड़ेगा ओके सर सो दैट 33 अच्छा अब देखो कोई 1 2 3 इसको मान के चलाएगा ना उसको +33 आ जाएगा सर समझा नहीं कैसे सर फर्स्ट केस में 1 2 3 रखा ना x1 y1 x2 y2 इसको x3 y3 माना अब मैंने सेकंड केस में इसको x1 y1 मान रहा हूँ इसको x2 y2 मान रहा हूँ इसको x3 y3 मान रहा हूँ ए पॉइंट को ओके सर तो आपको क्या मिलेगा 5 2 1 देन 15 10 1 देन 3 7 1 इसको क्या आप मना करोगे क्या नहीं आप ऐसे ले नहीं पाओगे नहीं सर ठीक है नहीं सर ले सकते हाँ ले तो सकते देखो इसका आंसर क्या आ रहा है नहीं इसमें जो इनसाइड −33 ना सर वो 5 × +3 + 33 +33 उसको मिलेगा +33 आएगा उसको +33 मिलेगा ये 10 जो ब्रैकेट के अंदर है वो रिवर्स हो जाएगा साइन उसका 15 हुआ मतलब 5 × 10 − 7 5 × 3 ठीक है ना −2 × +12 देन 105 ये 75 उसका ही रिवर्स आया जहाँ पे +15 था ये −15 रहा +24 था ये −24 हुआ ऑपोजिट हो गया सर हाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ हाँ वही बोला ना साइन ठीक है तो आप तो मॉडुलस नहीं रखोगे आप तो फंस जाओगे ना फिर इसका आंसर बोलोगे आप −33 ठीक है अब Giving questions. Find area of triangle. सर ये पोलर फॉर्म में ठीक है
एंड सर फर्स्ट का आंसर 15 है ठीक है कितना 15 215 नहीं सर 50 खाली 15 ओके 15 हां सर करेक्ट है सर पता नहीं मैं तो ऐसे दे दिया आई डोंट नो
ये 18.05 क्या है? पॉइंट मत करो, ऐसे रखो ये मैं। डिवीजन फॉर्मेट में रखो ना। सर फर्स्ट का बोला मैंने। तो 85 फिर क्या है? अच्छा ओके, दो तो ने ठीक है, एनीथिंग एल्स सर? सेकंड का 50 है। 50? हाँ सर 50। ओके, फर्स्ट वन आपका कार्टेशियन पॉइंट क्या होगा? आपको रूट थ्री आ रहा है तो रूट थ्री रखो, ऐसे रूट थ्री का वैल्यू मत डालो। मुझे लग रहा है आप वही रूट थ्री का वैल्यू आप डाल रहे हो। हाँ सर, उसके बाद आया। ये तो कट रूट थ्री कट आउट होता है। हाँ कट आउट होता है। ठीक है, इसका ये पॉइंट क्या होगा कार्टेशियन में? 4 cos 30 4 sin 30। 4 cos 30 कितना होगा? 2 root 3 और 2। ठीक है, तो 60 degrees 3 root 3 3 root 3 3 or 3 root and 150 कितना होगा? -3 root 3 by 2 -3 root 3 3 root 3 और एक आपको फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, एरिया दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला, एनी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी बोल रहे हो ना, तो एरिया हो जाएगा हाफ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स वन वाई वन, मतलब जो पॉइंट आपको दिया गया है एक्स वन वाई वन वन टू वन टू थ्री, जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पे एंड करना चाहिए। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन। पर सर इसको फोर वाला लेयर को सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, पहले इसको करते हैं। मेरा पॉइंट आ गया 2 root 3, 2 देन 3 root 3 3 root 3 देन -3 root 3 upon 2 p/2 देन 2 root 3 2। समझा? सॉल्व कैसे करेंगे सर? पर सॉल्व करने के टाइम पर ऐसे करेंगे डिटरमिनेंट जैसा। तो सर वो जो वन लेके करते थे सर, वो ऐसा नहीं कर सकते अभी इसमें? आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। आप देखो इसका क्या होगा, एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन, एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन प्लस
ये डिटरमिनेंट प्लस ए डिटरमिनेंट प्लस ए डिटरमिनेंट ओके सर डिटरमिनेंट क्या हुआ x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 अंडरस्टूड आपको वही मिलेगा x1 into y2 minus x3 ठीक है और ये जो फॉर्मूला है ना दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलीगन नॉट ओनली ट्रायंगल हाँ सर तो सर क्वाड्रिलेटरल में ऐसे हो जाएगा इजीली हाँ सर एक और कॉलम आ जाएगा बस अब इसको चेक करो हाँ कितना आया 3 3 9 18 18 minus 6 18 minus 6 then 9 by 2 minus plus minus 27 by 2 27 by 2 by 2 then ये minus 3 root 3 3 root 3 minus 3 root 3 तो रूट थ्री तो रहेगा ही नहीं सर रहेगा ना माइनस है ना दो बार माइनस रहेगा ठीक है तो ये 9 plus 27 36 by 2 18 ये हो गया 30 तो 30 by 2 करेंगे तो 15 minus 3 root 3 is the right answer कम हो रहा है ना तो नहीं अच्छा सेकंड का सर एक बार ये वाला मेथड कॉपी कर ले नहीं मैं पहले बता देता हूं फिर हां सर ठीक है हां सर 8136 - 42 कितना था पॉइंट और फिर 8136 8136 - 42 - 42 - 35 - 3 - 5 - 5 और फिर से 81 जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पे एंड करोगे ठीक है आप यस सर इसमें क्या इसका मॉडुलस फाइनल मॉडुलस रखना पड़ेगा ठीक है नेगेटिव भी हो सकता है तो 48 - 3 45 45 ये आपका 6 + 20 - 30 ये 20 + 6 - 26 -3 + 40 - 37 अंडरस्टूड हां सर कितना हुआ 75 101 138 138 by 2 हां सर 69 69 69 स्क्वायर यूनिट्स किसी को तो मिला था 69 सर मुझे मिला था नहीं सर ये वाला नहीं आया मेरे सेकंड वाला समझा आप जो दो ट्रायंगल करके ऐड किए ना हाँ सर हाँ सर यस सर ठीक है वो जो दो करके लिए एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा पंगा होता है जो पॉइंट्स दिया जाता है मैंने हालांकि आपको ऑर्डर में दिया था पॉइंट आप ये पॉइंट को कोऑर्डिनेट में रखोगे आपका 8, 1 इधर कहीं पे आएगा देन आपका 3, 6 मैंने ऑर्डर में दिया था कभी कभी डिसऑर्डर में दिया जाता है 3, 6 देन -4, 2 ठीक है ना -4, 2 और एक -3, -5 इधर कहीं पे होगा ठीक है तो इसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आप देखो जिस हिसाब से ऐसे मैंने यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया चेक करोगे पॉइंट मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया बराबर मेरा आंसर विदाउट मॉडुलस पॉजिटिव मिला
सपोज एक पॉइंट को मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दूंगा ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसका ही नेगेटिव आ जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट? हाँ सर, समझा. क्या सर, वापस ये पॉइंट को मैंने फर्स्ट पॉइंट ये रखा, वन टू थ्री फोर. यस, मतलब मेरा रोटेशन कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज. हाँ सर, उसको भी मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो मतलब ये फर्स्ट रखूंगा, ये सेकंड रखूंगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे घुमा दूंगा. इसको फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट, इसको थर्ड पॉइंट, इसको फोर्थ पॉइंट. यस सर, तो आपका वही आंसर आएगा बट माइनस में आ जाएगा. ये जो 69 होगा. अच्छा, तो आप ये टाइम पर आप गलती कर सकते हो. सपोज आप क्या किए, दो जो ट्रायंगल लिए, आप ये दो ट्रायंगल लिए तो आपको आंसर बराबर मिलेगा. अगर दूसरा कुछ भी लिया तो रॉन्ग. सपोज आप ये ट्रायंगल के साथ फिर ये ट्रायंगल ले लिए. हाँ सर, तो नेगेटिव आएगा वैल्यू. हाँ सर, फिर तो ओवरलैप हो रहा है ना, फिर तो नहीं होगा ना. हाँ, ओवरलैप. ये ए बी सी डी, आप ए बी सी के साथ क्या कर रहे हो, एबीसी एरिया प्लस एसीडी एरिया, एसीडी एरिया, तब जाकर आपको बराबर मिलेगा. सपोज आप एबीसी एरिया प्लस बीसीडी एरिया कर दिए, नहीं होगा ना. हाँ सर, आप एबीसी एरिया प्लस बीसीडी एरिया कर दिए तो नहीं होगा. अच्छा, ये क्वेश्चन को सपोज मैंने डिसऑर्डर करके दिया होता, मतलब ये मैंने एक दो पॉइंट को इंटरचेंज कर दूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है. सपोज मैंने ये पॉइंट दे दिया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आपका क्वाड्रेटर नहीं बनेगा. कैसे आप घूम रहे हो, यहां से आप इधर ज्वाइन किए, इसके बाद इधर ज्वाइन किए, इसके बाद इधर आए, यू विल नॉट गेट योर क्वाड्रेटर. सर, पॉइंट को तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ना सर, पॉइंट्स को भी लाइन में. हाँ, पॉइंट्स को तो लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं ना सर. पॉइंट्स को लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैं दे दूंगा. लेकिन तुझे थोड़ी मालूम है कौन सा पॉइंट कब आएगा. 8.1 मैंने पॉइंट दिया, 8.1 फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेटर जॉइनिंग द पॉइंट्स 8.1 -4.2 3.6 एंड -3.-5 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो नहीं आप क्या करोगे. सपोज आप लिख दिए हाफ 8.1 -4.2 3.6 -3.-5 देन 8.1, इसका आंसर आपका गलत आएगा. okay, क्योंकि आप चेक करो, आप यहां से इधर जाओ के 8.1 से गए इधर, फिर 3.6 इधर, मैं दूसरे पेन में कर रहा हूं, यहां से गए इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, आपको यही एरिया मिलेगा. आप जैसे घूमोगे ना उसी एरिया मिलेगा आपको रिकॉर्ड एरिया, जो क्वाड्रेटल एरिया नहीं मिलेगा. तो आपको कभी कभी पॉइंट्स डिसऑर्डर में दिया जाता है, ऑर्डर में नहीं दिया जाता है. मैंने आपको हालांकि ऑर्डर में दिया था, आपको ऑर्डर में नहीं दिया जाता है, तो प्लॉट करके चेक करोगे सर. और सेकंड वाले मेथड से सर ऑर्डर कुछ भी रह सकता है, कि वही ऑर्डर में रहना पड़ेगा इसका. सर जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है सर, उसमें ऑर्डर मतलब डिसऑर्डर करेगा तो भी सॉल्व कर सकते हैं. वैसे ऑर्डर आप कोई भी रखो, बट आपका मतलब क्वाड्रेटल बनना चाहिए. ओके सर, आपका इधर क्वाड्रेटल नहीं बन रहा है, वाला सम दिखाना ऊपर, आपका ये क्वाड्रेटल नहीं बन रहा है. सपोज आप 1 2 3 4 करोगे तो यू विल गेट. यस सर, आप इधर 1 से स्टार्ट करो चलेगा, 1 2 3 4 ये करोगे तो आपका आंसर मिलेगा, बट नेगेटिव में मिलेगा, फिर आपको मॉडुलस डालना पड़ेगा. बट 1 2 3 4 करोगे नहीं मिलेगा. यस सर, प्लॉट करके देखना पड़ेगा. हाँ, थोड़ा बहुत आप प्लॉट करके देखना पड़ेगा. समझाइए. यस सर, तो आप एक नोट लिख सकते हो, एक बार वो नोट लिखा देता हूँ.
एरिया ऑफ इनसाइडेड पॉलीगन विथ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 up to xn yn in order is क्या होगा आप x1 y1 up to x2 y2 x3 y3 and so on up to xn xn yn फिर x1 y1 ठीक इसका डिटरमिन मतलब ये डिटरमिनेंट इसका मॉड रहेगा ना आपका डिटरमिनेंट ऐसे ऐसे आपका जा रहा है बराबर यस सर क्या हुआ ऊपर जाओ ऊपर और क्या करोगे सर वो नोट में जो सब आ गया ना वो जो हाँ नोट में तो सब आ गया ना कोई भी पॉलीगन कुछ बट पॉइंट्स ऑर्डर में होना चाहिए सर एक्सन और वायन है ना वो एक्सन वायन नहीं नहीं ये हाँ ये एक्सन वायन ये एक्सन वायन जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर एंड होना चाहिए ओके सर ये जैसे ये पॉइंट जैसे घूमता जाएगा ना उसी हिसाब से आपको एरिया मिलता जाएगा डन यस सर एक मिनट यस सर यस सर Finished up? Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर होगा. Okay. Thank you. Bye sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Homework क्या है? Thank you sir. Assignment. Homework क्या है sir? Sir assignment. नहीं इसका तो assignment करते रहो. कुछ नहीं पढ़ा है ना तो assignment क्या होगा? तो sir series का